जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता, जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ हमारी जमीन में। हम क्या चाहते हैं? हमारी जमीन में। हम क्या जमीन में वापस करो, हमारी जमीन वापस करो, हमारी जमीन वापस करो, गरीबों की जमीन वापस करो, खरीदारों की जमीन वापस करो। क्या नाम आपका? विजय कुमार। हाँ विजय कुमार जी, कौन से गांव के रहने वाले हैं? हमारा गांव पंडोरी है जी। पंडोरी, बताएंगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी ज़मीनें थोड़ी थोड़ी हैं, सभी जितनी भी हमारे गरीब जनता है उनके पास तीन तीन चार चार किले जगह है, चार किले को किसके पास है, किसके पास कोई चार कनाल है, ये सभी गवर्नमेंट ने हड़प ली है। क्योंकि हर जगह के मुताबिक उन्होंने बोर्ड हमारी जगह पर लगा दिए हैं, तो हम गरीब जनता क्या करेगी? इसलिए हम सरकार से विरोध करेंगे कि ये कानून जो आपने जो बनाया है इसको वापस करो, और जितने भी हमारे मजदूर हैं उनकी जो जितनी भी ज़मीनें जा रही हैं इनको वापस करो। और देखो जितने भी हमने भी जो हमारे पास ज़मीन उस ज़मीन पर हमने जो केसीसी बनाए हैं वो केसीसी बनाए हैं, हम बैंक वालों को क्या पैसा देंगे? क्योंकि हमारी ज़मीनें तो चल गई हैं, हम पैसे कैसे मंगाएंगे? इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो छोड़कर गांव कहाँ जाएं? गवर्नमेंट ने जे सोचा है कि गरीब को ख़त्म करना ही करना है, तो गरीब अभी बेकार हो जाएंगे और क्या करेंगे हम? हमारी जितने भी जो परिवार है वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे? जो हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे आगे? हमारा टाइम तो जो ऐसे निकल जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अगर ये ज़मीनें हमारी यहाँ निकल जाएंगी तो हम क्या खाएंगे, क्या कैसे मजदूरी करेंगे हम? जो मजदूरी हम ऐसे खेतों में करते हैं वो भी गवर्नमेंट में हड़प ली, तो मजदूर भी कहाँ जाएंगे? इसलिए हम जेगी कहते हैं कि हमारी ज़मीनें वापस करो, हमारी ज़मीनें वापस करो। तो दूसरी बात यह है कि अगर हमारी ज़मीनें सभी निकल जाएंगी तो किसान क्या खाएंगे, वो किसान क्या करेंगे, कहाँ रोजी रोटी कमाएंगे वो? तो इसलिए हम किसान जरूर ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आत्महत्या तो बगैर कुछ नहीं है, पर तो किसान सभी आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे? इस सरकार के हम सिर चढ़ जाएंगे और मर जाएंगे। थैंक यू। भारतवर्ष में लोकतंत्र राज है और वर्षों से लोकतंत्र के माध्यम से हमारा संविधान जो है वो चल रहा है, और लोकतंत्र के साथ यहाँ संविधान में एक बड़ी बात साफ लिखी है कि इंडिया सेकुलर भी है और वेलफेयर हमारा मुल्क है, लेकिन वेलफेयर स्टेट होने के नाते जम्मू कश्मीर में जब से ये मौजूदा सरकार आई है इन्होंने गरीबों पर तरह तरह के टैक्स, चाहे जीएसटी, चाहे टोल टैक्स या कई तरह के टैक्स थोप करके पैसे इकट्ठे करके पूरे जितने भी हमारे लोग हैं उनके जो काम थे गवर्नमेंट महकमों में जो काम होते थे गवर्नमेंट की तरफ से वो सारे बेच डाले। अब जमींदार के पास एक छोटी सी मजदूरी के लिए अपना पेट बच्चों का बाल बच्चों का पेट पालने के लिए एक जमीन जो बहुत पहले से 1947 के पहले के हमारे गरीब मजदूर जो हैं वो जमीन आप टिल कर रहे थे, जोत रहे थे, उससे अपने बाल बच्चों का गुजारा कर रहे थे, जिसको इस सरकार ने सरकारी नाम दे करके वो जमीनें वापस ले ली हैं। ये सरासर इन गरीबों की पेट पर बहुत बड़ा प्रहार है, ये बिल्कुल निंदनीय कदम है। ये सरकार बड़ी चलाक है, ने कोर्ट के माध्यम से पूरे मुलाजम इस पर लगा दिए हैं। कोर्ट किनका है? इन्होंने तो कोर्ट का माध्यम बना करके गरीबों की जमीनें हड़प ली है। अगर ये गरीबों की जमीनें हड़प ली तो ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? इनके पास ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई साधन है, रोजी रोटी कहाँ से लेंगे? मजदूर इनके साथ जुड़े हुए हैं, जब कटाई होती है, बुआई होती है, बहुत सारे मजदूर इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर सरकार इनकी जमीन को ले लेगी तो ये कहाँ जाएंगे? ये वही जैसे भी ये बेचारे चिल्ला रहे हैं बाद में आत्महत्या करेंगे। तो सरकार चाहती है कि गुर्बत की जगह इन गरीबों को खत्म किया जाए, विकास के नाम पर इन लोगों का खून निचोड़ करके लोगों को सिर्फ विकास, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े
एक्सप्रेस वे बना करके जमीन सारी हड़प ली सरकार ने। अरे अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को, उनका माल यहाँ से श्रीनगर 2 मिनट में पहुँचना चाहिए, बॉम्बे फटाफट पहुँचना चाहिए, लेकिन इन गरीबों की जमीन जो थी वो सारी की सारी कभी कुछ सड़कों में चली गई। अब जो बचती थी इनके पास वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोका जाए। हमने ये मेमोरेंडम इनके माध्यम से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब को भेजने का हम कोशिश कर रहे हैं। कल डीसी साहब से मिलकर के हम इन मेमोरेंडमों को वहां पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये जमीनों पर जो एक्शन हो रहा है ये फौरी तौर पर बंद किया जाए, नहीं तो ये गरीब लोग हड़ताल पे आ जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत, जय किसान जय जवान। आज हम लोग यहाँ पंडोरी में हमारे जो किसान भाई हैं, जो लोकल हैं यहाँ नगरी से, अलग अलग गांव से ये लोग इकट्ठे हुए हैं, एक विचार विमर्श है। कल एक हमारा मेमोरेंडम जो हम पेश करना चाहें करने के लिए तैयारी में है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को, जो कि डीसी साहब के थ्रू जाएगा। उसमें हम लोगों ने जो किसानों की, जो यहाँ पे हमारे जो लैंड के अभी तक एक्विजिशन जिनके पास था, जो लोग यहाँ से अपनी रह गुजर, अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, अपने रोज़मर्रा के जो खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए खेतीबाड़ी करके इस ज़मीन से ज़मीन का सीना चीर के अगर वो लोग अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, वो ज़मीन भी अब सरकार के ऑर्डर से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने बाय जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पे लोगों से ये ज़मीनें जो छीनी जा रही हैं, जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने फसलें लगाई हैं उनकी फसलें ख़राब की जा रही हैं, उनको उनकी जो राहत पहुंचाने के लिए या फिर उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो रोष है, उसको हम लोग एक कागज़ पे लिख के मेमोरेंडम भेजेंगे लोगों के जो प्रतिनिधि हैं हम लोगों की तरफ से, हमारे जो सीनियर्स हैं हम उनकी तरफ से एक भेजेंगे, ताकि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएं और जो लॉ एंड ऑर्डर इसकी वजह से बन सकता है उसको टाला जाए। अदरवाइज़ अगर कुछ कल को ये इन लोगों के लिए नहीं कदम उठाते हैं, जहां हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो जम्मू कश्मीर भी तैयार रहे, जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आने वाले जो एक जन सैलाब यहाँ पर आएगा या फिर जो एक आंदोलन यहाँ से चलेगा उसके लिए तैयार रहे। जय भीम जय भारत।